छोटू साहब रुको रुको मैम रुको, सोनिया जी रुकी है उधर ही पे। नीचे आ जाओ नीचे आ जाओ, यस तो पीछे कर थोड़ा आगे ही ना। अरे बस रे बाबा, जो है क्या तुम लोग यार, एक आगे आओ बोल रहे हैं पीछे जाओ। हां दीदी, हां हाय दीदी, हां चलो सवाल पूछना। ओ धनंजय भाई कर लिया तुम लोगों ने मुझे निकालो ये मचा आ गया भाई। थैंक यू थैंक यू, थोड़ा आगे वेट वेट वेट, सवाल नहीं पूछना धनंजय भाई। अरे यार मैम यहाँ पे हो जाएगा और क्या मैम, राजा भाई के कैमरे थोड़ा सवाल तो पूछ, ऑडियो नहीं आ रहा, मिस्टर सवाल पूछ, ए सवाल पूछ इधर इधर लुक इधर, ए एक कैसी रही आपकी जर्नी, ओए अरे ये पूछो इधर कैसी रही आपकी जर्नी। मेरी अच्छी रही, थोड़ी शॉर्ट रही, नहीं तो थोड़ा और आप लोगों को अच्छा मिलता चीजें। इसको क्या कर रहे हो राजा, पूछना मैंने पूछ लिया। अभी अंकिता, अंकिता फेवरेट है, लगता जीतेंगी वो। अब वो तो नहीं पता, गेम पलटता है बहुत ज्यादा, तो अभी तो हम किसी के बारे में नहीं बोल सकते कि कौन जीतेगा कौन नहीं। दिमाग से बराबर, अभी तो कोई नहीं खेलते है अंकिता। सोनिया जी आपको क्या रीजन था जो आप एलिमिनेट हो गए? आप लोगों ने नहीं देखा क्या? देखे देखे देखे, तो मेरे कारण तो घर वालों से आप झगड़ा भी करोगे और सोचोगे वोट भी मिल जाए आपको, तो कैसे पॉसिबल है? वो तो पॉसिबल नहीं है ना। अच्छा जो अभी ईशा का फेक लव स्टोरी एंगल चल रहा है, दो दो बॉयफ्रेंड लग रहा है कि सास बहू का चल रहा है, वैसा वो होता है ना टीवी सीरियल का, एक आया फिर दूसरा आया, तो इसलिए। लेकिन कहीं कहीं ईशा जी बहुत गलत साबित हो रही है, उसको क्या करना है? अब गलत साबित हो रहे हैं वो, आई थिंक उनको फैमिली को गाइड करना चाहिए कि ऐसा ना करें, क्योंकि आप जैसे हो वैसे दिखाते हो पर्सनैलिटी, तो या बिग बॉस को एक मैच्योर को डालना चाहिए था, वो मैच्योर नहीं है अभी इतना। हाँ मैच्योर नहीं है, बट अब बिग बॉस का ऐसा नहीं है, बिग बॉस के पास प्रोफाइल होती है जो उसके काबिल होता है तो उसको डाला जाता है, और वो सबसे छोटी है वो इसलिए ही डाली गई है, कोई तो होना चाहिए 2090 का, तो वो सबसे छोटी है हमारे उसमें पूरे घर में। मुनव्वर के बारे में क्या बोल रहे हैं? मुनव्वर के बारे में क्या बोल रहे हैं आप लोग देखो अभी तो अच्छा ही चल रहा है उसका भी गेम, और मुझे लगता है कि थोड़ा सा उसको करना चाहिए और अच्छा बेटर। अच्छा बिग बॉस के बाद अभी आपको कहाँ देखेंगे? मुझे मुझे अभी तो मेरी साउथ की फिल्में रिलीज होंगी, और देन मेरी एक और फिल्म है अभी डुबकी पार्ट 2, तो अभी वो ही शूट पे जाने वाली है। जिसका मिडल नेम ही ड्रामा था वो अब बाहर है कहीं ना कहीं, ड्रामा ड्रामा कौन सी किसका ड्रामा? जो प्रोमो आया था तो उस वक्त आया था मैम, तो अभी क्या कहना चाहेंगे? अभी जो आया है ड्रामा, हाँ देखो अभी तो मैं कुछ भी नहीं देख पा रही हूँ, क्योंकि मैंने अभी दो दिन से देखा भी नहीं है क्या चल रहा है। मैं होती तो डेफिनेटली उसमें थोड़ा सा अलग एंगल होता, क्योंकि वो एंगल है ही नहीं अभी फिलहाल। या मैम देखिए पब्लिक ने आपका वेट नहीं किया कहीं ना कहीं, वहाँ के लोगों ने किया, तो क्या कहना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि जब उन लोगों का ऐसा, घर वालों का ऐसा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरे लिए अनफेयर ही है। आप लोगों को भी समझ में आया होगा वो अनफेयर है, ना ही मुझे बिग बॉस ने निकाला है और ना ही मुझे पब्लिक ने निकाला है, तो मेरे लिए बेटर है। इसके पहले भी कंटेस्टेंट अंदर गए हैं वापस से वाइल्ड एंट्री से, अगर इस तरह से जाने को मिला और जीत के भी आए तो जाना चाहेंगे? ऑफकोर्स जाना चाहूँगी, मेरा गेम बहुत रह गया था, कुछ लोगों को मुझे जगाना था, वो मैं सोच रही थी कि इस वाले हफ्ते के बाद मैं थोड़ा सा लूँगी एक्शन, बट नहीं ले पाई,
जगाने में किसी को जगाना था बहुत सारे, फिर भी मैं आपको ही पता है कि मीडिया को जो गाली देते हैं, इनफैक्ट जिगना जो आराम से स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बोलते हैं वो बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट उनके 15 लोगों के अंदर ही, 15 16 लोगों के अंदर ही उनकी आवाज़ कम हो गई है, तो मुझे लगता है कि उनको निकल के आना चाहिए। उसके लिए मैं पुश करूँगी चाहे मेरी फाइट। और जो लोग जो है अभी घर में, उसमें सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट कौन लग रहा है आपको? जो अंदर जो है सो अंदर जाएंगे तो बात अलग है। अभी तो फिलहाल में मुझे ऐसा लगता है अंकिता निकल के आएगी। उसको थोड़ा सा समझ में, कभी कभी क्या होता है कि गेम समझने में थोड़ा टाइम लगता है, तो मुझे लगता है अंकिता और खानजादी निकल के आएगी। उसके बाद तो सब नॉमिनेशन से डरते रहते हैं। इनफैक्ट अभिषेक भी अच्छा खेलता है, लेकिन जब हम पब्लिक से और जो सेलिब्रिटी से जब हम पूछे तो फिर कहने का मुनावर का नाम काफ़ी ऊपर आ रहा है। तो इस पे क्या लग रहा है? खेलता नहीं है एक्चुअली में। देखो क्या होता है, मैदान में निकल के आओ फिर पता चलता है कि आपकी कैपेसिटी क्या है। आप नॉमिनेशन से डर रहे हो तो इसका मतलब कि आप हर चीज़ से डर जाओगे। मुझे तो नहीं डर लग रहा, मैं तो इनफैक्ट 3 दिन मुझे पता भी चला मैं नॉमिनेट हूँ तभी मैं नहीं डरी, क्योंकि मेरे ठीक है वो तो एक पार्ट है नॉमिनेशन का। फाइनली अभिषेक, ईशा और कहीं ना कहीं अभी अब सामर्थ भी अंदर चले गए हैं, ये दोनों में काफ़ी फाइट भी चल रहा है, तो इस पर क्या टेक है आपका? हाँ कुछ भी नहीं है, ट्रायंगल बचपना चल रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल बचपना है, ऐसा लग रहा है कि वो पहले बॉयफ्रेंड था, एक्स था, फिर प्रेजेंट भी आ गया, वो अलग अलग तरीके है। मुझे लगता है कि मैं जब गई तो थोड़ा सा शॉर्ट आउट हो, बट ठीक है वो शायद बिग बॉस करेंगे। फाइनली आपकी सिस्टर से क्वेश्चन है, किस तरह का फील हुआ था आपको जब आपको पता चला कि मैम बाहर आ गई? सॉरी, किस तरह का फीलिंग था आपको जब आपको पता चला कि मैम बाहर आ गई? मुझे लगा ही नहीं था कि सोनिया भी बाहर भी आएगी, क्योंकि उसका गेम बहुत अच्छा था एंड वो घर वालों की वजह से डिसीजन जो लिया हुआ था वो बहुत रॉन्ग था, बट हमें तो लगी नहीं था सोनिया बाहर आएगी, बट हमें ये लग रहा था कि सना का होगा, सना बाहर आई एंड वैसे तो नहीं आएगा। सोनिया का कुछ वो ही नहीं था कि वो सोनिया अंदर बाहर निकल के आएगी। इनफैक्ट मुझे भी नहीं पता था कि मैं बहुत स्ट्रॉन्ग थी। इवन मैम हमें भी किसी को नहीं पता था, क्योंकि देखिए जो जो जितना कैटेगरी चाहिए होता है बिग बॉस में उतना सभी के सभी फुलफिल किए थे। लाइमलाइट में दिखना वो भी दिख रहे थे कंटिन्यू। बिग बॉस हाउस में सोनिया इज ब्यूटीफुल, सबसे ब्यूटीफुल थी, और तो इतना कुछ लग ही नहीं रहा था कि और कोई लड़की मतलब है उसके अकॉर्डिंग या उसके मुताबिक कोई भी नहीं था। बट सीरियसली हमें पूरी फैमिली में ऐसा लग रहा था कि सोनिया का नंबर आएगा ही नहीं, हमें तो बिल्कुल टेंशन ही नहीं थी कि जब पता चला एंड वो घर वालों की साइड से वोटिंग हुई तो उसमें एक्चुअली जो इसके घर वाले थे वो क्या नाम था बाबू भैया एंड उसने वोट गलत दे दिया। और मुझे ऐसा लगता है कि जब पब्लिक का प्यार मिलता है ना तो हमें उस वाले घर की क्या ज़रूरत है, तो बस पब्लिक का प्यार मिलेगा तो डेफिनेटली उस घर को थोड़ा सा अनबैलेंस करने जाऊंगा। अच्छा, हम ये चाहेंगे कि आप रिटर्न जाए वाली करेंगे। हाँ, तो आप लोग चाहोगे तो डेफिनेटली जाऊंगी, और थोड़ा सा अनबैलेंस करना है जो मेरा बाकी रह गया था। इस तरीके से मैंने मतलब ले रही थी, फाइट कर रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे बनने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट जो 3 दिन में नॉमिनेशन के टाइम जो लोग हैं ना फाइट करना स्टार्ट करते हैं, अपने पॉइंट रखना स्टार्ट करते हैं, मैं स्टार्टिंग से ही पॉइंट रख रही थी, मुझे लगता है कि अभी मैं गई तो फिर वो अलग तरीके से होगा। जो आराम से सो रहे होते हैं, कुछ नहीं कर रहे होते हैं, तो उनको थोड़ा सा मुझे पुश करना पड़ेगा कि जिस गेम के लिए आप नहीं हो तो आराम से बाहर की रोटियां खाओ, अंदर मत खाओ। फाइनली आपके जो फैंस है कहने के वो अभी भी सपोर्ट कर रहे हैं आपको सोशल मीडिया पे, उन्हें क्या कहना चाहिए? थैंक यू, सपोर्ट करते रहें। इनफैक्ट अभी मेरे बहुत सारे काम भी आ रहे हैं, मैं बिग बॉस में रीएंट्री करी तो फिर वो अलग मेरा रूप होगा, उसको भी संभाल लेना क्योंकि वो थोड़ा सा अनबैलेंस ही करूँगी। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू, थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बाय। बाय मैम, बाय बाय, थैंक यू, थैंक यू सो मच। आली दो, आली दो, आली दो, ओ दीदी दो ना, आजा भाई थोड़ा सा दो ना। अरे दे अभी थोड़ा पीछे, थैंक यू, वेलकम, वेलकम, बाय मैम, बाय।